Now solution number 9. Find the position vector of R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of line segment RQ. P जो है RQ का midpoint है. तो position vector of पॉइंट पी, पी की पोजीशन वेक्टर क्या होगी 2a प्लस बी. पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू a माइनस 3b और रेशियो क्या है इनका, रेशियो है 1:2. तो हमें किसका पोजीशन वेक्टर बताना, r का एक्सटर्नली है ये. पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर एक्सटर्नली में माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 × तो ये 2a प्लस बी माइनस 1 और a माइनस 3b अपॉन 2 − 1. क्या था पोजीशन वेक्टर, m1 वेक्टर ए माइनस m2 वेक्टर बी अपॉन m1 माइनस m2 सी, और यदि इंटरनल होता है तो यहां पर प्लस हो जाता है. करिए इसे सब, 4a प्लस 2b माइनस a प्लस 3b अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 5b. तो ओ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, 3a प्लस 5b. एक आंसर तो ये हो गया. अब उसने कहा है कि P जो है वो AB वेक्टर का मिड पॉइंट है. देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, आर का पोजीशन वेक्टर ये है, क्यू का ये, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस a अपॉन 2 और दोनों को प्लस कर देंगे प्लस माइनस 3b प्लस 5b अपॉन 2, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी. ये किसकी पोजीशन वेक्टर है, बी. दैट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. हैंस प्रूव, प्लीज मेक इट आउट. नाउ सॉल्यूशन नंबर 10. The two adjacent sides of a parallelogram are 2i minus 4j plus 5k and i minus 2j minus 3k. Find a unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है आपका 2i minus 4j plus 5k और बी वेक्टर है हमारा i माइनस 2j और माइनस 3k. हमें इसका एक यूनिट वेक्टर बताना है जो डायगनल के पैरेलल है. ये एडजेसेंट साइड है, ये पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b हो गया. तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर b हो जाएगा. तो बाय d वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b. देखिए a प्लस बी 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 2j माइनस 3k, ये हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k. ये आपका हो गया d वेक्टर. अब हमें इसको d वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर बनाना है. द
unit vector parallel to diagonal. तो कितना हो जाएगा d cap is equal to d vector upon d vector का magnitude. तो कितना हो जाएगा ये 3i minus 6j plus 2k square root of 3 का square plus 6 का square plus 2 का square. ये हो जाएगा 3i minus 6j plus 2k divided by 9 36 और plus 4. कितना हो जाएगा 49 means 3 upon 7i minus 6 upon 7j plus 2 upon 7k. That is your answer. अब उसने बताया है, पूछा है कि इस पैरेलोग्राम का एरिया बताना है. तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले हम निकालेंगे A cross B. Determinant of I, J, K. 2, minus 4 और 5. ये हो जाएगा 1 minus 2 और minus 3. That means I is equal to कितना हो जाएगा? 12 minus और plus 10. Minus J is equal to minus 6 minus 5. Plus K is equal to minus 4 plus 4. ये हो जाएगा 22 I plus 11 J plus 0 K. अब हमें इसका बताना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 484 प्लस 121. ये हो जाएगा 506. तो ये कितना हो जाएगा? 11 in 121, 121 into 5. So, ye ho jayega 11 root 5 unit. That is your answer. Please make it out. Now, solution number 11. Show that the direction cosine of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ are 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3. Solution number 11. यहाँ पर ये कह रहा कि जो वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3 होंगे. लेट हमने मान लिया, लेट वेक्टर a एक्स आई एक्स जे और एक्स के है एक वेक्टर. देखिए एक्स 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 या कुछ और भी मान सकते हैं. ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं तो इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे. निकालिए डायरेक्शन कोसाइन. कैसे निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा 3x स्क्वायर मीन्स रूट 3x. अब ए कैप निकालेंगे. ए कैप हो जाएगा एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के डिवाइडेड बाई रूट 3x. हमने किससे यूज किया? बाई ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए अपॉन ए कैप. तो कितना हो जाएगा ये? एक्स अपॉन रूट 3x आई एक्स जे अपॉन रूट 3x प्लस एक्स अपॉन रूट 3x के. एक्स से एक्स कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल. 1 अपॉन रूट 3i, 1 अपॉन रूट 3j और 1 अपॉन रूट 3k. तो ये क्या है? तो डायरेक्शन कोसाइन कितने हो गए? कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, कोस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और cos gamma is equal to 1 upon root 3. तो direction cosine is equal to कितने होगे? 1 upon root 3, 1 upon root 3 और 1 upon root 3. Thanks bro. Please make it up.
Now, solution number 12. Let A is equal to I plus 4J plus 2K, B is equal to 3I minus 2J plus 7K, and C is equal to 2I minus J plus 4K. Find a vector D. Ek D vector batana, which is perpendicular to both A and B, and C dot D is equal to 15. D एक ऐसा वेक्टर है जो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर है. Let D वेक्टर हमने मान लिया, क्या माने? H1i, H2j और H3k. सबसे पहले D जो है A पर परपेंडिकुलर है. D वेक्टर is perpendicular to A. That means D dot A is equal to 0 हो जाएगा. तो करिए दोनों का डाउट. H1 plus 4H2 plus 2H3 is equal to 0. Equation number 1. Similarly, vector D is perpendicular to B. जो D vector है, वो B पे perpendicular है. 3H1 minus 2H2 plus 7H3 is equal to 0. अब हमें इन दोनों equation को solve करना है. By क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर देते हैं. मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? x 1 अपॉन x 2 अपॉन और x 3 अपॉन इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट लैम्डा मान लिया. तो x 1 निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको रख करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 28 प्लस 4. और x 2 निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. कितना हो जाएगा? 6 minus 7. फिर x3 निकालने के लिए this minus 2 और minus 12. तो ये हो जाएगा x1 upon 32, x2 upon minus 1 और x3 upon minus 14 is equal to lambda. तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 32 lambda. x2 की वैल्यू आ गई minus lambda और x3 की minus 14 lambda. तो वेक्टर डी क्या हो जाएगा? वेक्टर डी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हमने 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया. तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया इक्वेशन 2 और 3 में. ये x1 h2 h3 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे. तो वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 33. ये तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 लैम्डा माइनस 32 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे और माइनस 14 लैम्डा की. अब उसने ये कहा है नाउ कि C dot D is equal to 15. C dot D is equal to 15. C कौन सा वेक्टर है? ये. तो ये कितना हो जाएगा? 64 lambda. माइनस और माइनस प्लस lambda. माइनस 56 lambda is equal to 15. ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 65 minus 56. Common will area is equal to 15. 9 lambda is equal to 15. Lambda is equal to 15 upon 9. कितना आ गया ये? 5 upon 3. अब इसे हम इस वेक्टर में पुट कर देंगे. तो D वेक्टर कितना हो जाएगा? D is equal to 32 into 5 by 3i minus 5 by 3j minus 14 into 5 by 3k. ये कितना आ गया? 160 upon 3i 5 upon 3j 70 upon 3k. तो ये required vector है D, जो A पर भी perpendicular है और B पर भी perpendicular है. But C dot D is equal to 15. Please make it out. Now solution number 13.
The scalar product of vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vector 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. जो find the value of lambda, जो vector b है, b और c का sum, जो इसका unit vector है, वो a के साथ dot जो है 1 होता है. क्या कहा है इसने? इन दोनों के sum का unit vector a के साथ dot is equal to 1, तो lambda की value बतानी चाहिए. तो देखिए, इसे हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं d वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस c, दोनों को जोड़ दें तो 2 प्लस लैम्डा i 6 j माइनस 2k. अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे. तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा आपका, यह जाएगा 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और प्लस आ गया 44. ये आ गया. अब इसका कैप निकालिए, डी कैप यूनिट वेक्टर, तो डी वेक्टर अपॉन डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6 j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44. अब उसने क्या कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि a डॉट d कैप इज इक्वल टू 1. तब ये दोनों का डॉट क्या करेंगे, i प्लस j प्लस k डॉट 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1. करिए दोनों का डॉट, इसका इसके साथ डॉट करें तो 2 प्लस लैम्डा हो गया प्लस 6 माइनस 2, और इसकी हमने करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उधर से लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी. अब देखिए क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो 36 प्लस 12 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, ये आपका ये कैंसिल हो गया, इसको उधर लाएंगे तो 8 लैम्डा हो जाएगा, 44 माइनस 36 इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक अ नोट. नाउ सॉल्यूशन नंबर 14, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी वेक्टर. देखिए पहली बात तो उसने दिया है कि जो ए वेक्टर है बी और सी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट मींस ए डॉट बी, b dot c और c dot a is equal to 0, ये आपस में perpendicular. दूसरी बात यहाँ पर given है कि magnitude a, magnitude b और magnitude c is equal to, हमने मान लिया ये lambda मान लिया, ये क्या मान लिया हमने, lambda मान लिया. अब हमें ये दिखाना है कि जो a plus b plus c जो है a vector, b वेक्टर और c वेक्टर तीनों के साथ में इक्वल एंगल बनाता है जब ये कंडीशन होती है. लेट हमने मान लिया कि लेट a प्लस b प्लस c मेक एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 विद
A vector, B vector and C vector respectively. हमने मान लिया कि जो ये वेक्टर है ये a plus b plus c वो a के साथ में theta angle बना रहा है, b के साथ में theta 2 बना रहा है, c के साथ में theta 3. तो इसका मतलब क्या होगा कि cos theta 1 बराबर क्या होगा, ये इसके साथ वेक्टर बना रहा है, a dot a plus b plus c upon a mod और a plus b plus c mod. अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, a mod है मेरे पास, a plus b plus c नहीं है और इनका डॉट नहीं है. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल a dot a plus b plus c देखते हैं क्या आता है, a dot a dot b और a dot c. a dot b और a dot c की वैल्यू जीरो दी हुई है और ये हो गया वेक्टर इसका स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर, यानी कि a dot a plus b plus c की वैल्यू हमारी ये निकल गई. अब क्या रह गया हमारा, a plus b plus c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं a plus b plus c dot a plus b plus c लिख सकते हैं हम इसको. तो इसका डॉट करिए, a dot a dot b और a dot c, b dot a dot b और b dot c, c dot a, c dot b और c dot c. देखिए ध्यान से, a dot b जीरो, a dot c जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो हम क्या लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर. रखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर. ये हो जाएगा थ्री लैम्डा स्क्वायर. ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री लैम्डा स्क्वायर, इट मीन्स रूट थ्री लैम्डा. हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये तो कोस थीटा वन क्या हो जाएगा, थीटा वन इज इक्वल टू ए डॉट, ये क्या निकाला हमने, ये अपॉन लैम्डा इनटू कितना हो गया, रूट थ्री लैम्डा. लैम्डा लैम्डा ये कैंसिल, वन बटे लैम्डा. सिमिलरली आपको निकालना है यहां पर cos theta 2, theta 2 क्या हो जाएगा, b dot a plus b plus c upon हो जाएगा b magnitude और a plus b plus c. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. अब देखिए b dot a 0, ये कितना आ जाएगा, b magnitude square upon b और ये आ जाएगा a plus b plus c. इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इंटू थ्री, दिस इज कैंसिल, वन बटे रूट थ्री. सिमिलरली कोस थीटा थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी. इसी तरीके से ये भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा और रूट थ्री लैम्डा, दिस इज कैंसिल, वन बटे रूट थ्री. हमें क्या प्रूफ करना था कि तीनों एंगल, देखिए वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन, हैंस प्रूफ पेज में क्या. सॉल्यूशन नंबर 15, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर. देखिए बहुत आसान, सॉल्यूशन नंबर 15, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी. तो ये कितना जाएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर. हम जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए बोथ आर सेम.
तो यहां पर इसमें गिवन है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, इसने कहा है a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 0 प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b डॉट a प्लस b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, एक कंडीशन तो ये प्रूफ हो। अब यदि ये परपेंडिकुलर ना हो तो इफ ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी सच दैट कि ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 16, इटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन, तो देखिए ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और b मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, cos थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑप्शन इज बी, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 17, ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर, देखिए सॉल्यूशन 17, और b भी आपका यूनिट वेक्टर है और a प्लस b भी यूनिट है, तो देखते हैं क्या एंगल आता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल टू 1 डॉट इक्वल टू 1 a डॉट b डॉट a b मैग्नीट्यूड या b डॉट b इक्वल टू 1, a डॉट a a डॉट b b डॉट a b डॉट b, ये हो जाएगा a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 a डॉट b प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा प्लस ये 1 इक्वल टू 1, क्योंकि a डॉट b क्या होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और ये होता है 2 पाई बाई 3 पाई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ऑप्शन इज डी। नाउ सॉल्यूशन नंबर 18, वेरी सिंपल, देखिए आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है, आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के दिया, जबकि हमें चाहिए के क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा माइनस जे और ये हो जाएगा के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू माइनस 1, आई डॉट आई क्या होता है 1, j डॉट j 1 और ये भी 1, दिस इज कैंसिल, ऑप्शन क्या हो जाएगा c। नाउ सॉल्यूशन नंबर 19, क्या दिया 19 में कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर a एंड b, देन a डॉट b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a क्रॉस b, रख दीजिएगा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा
A magnitude, B magnitude cos theta is equal to और ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू वन, और कोट में वन कब होता है कोट पाई बाई फोर, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन इज बी, प्लीज मेक अ नोट। प्यारे बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 की ये लास्ट क्वेश्चन थे और वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो सके और वो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें। So I hope you like this video and that what I have told you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.